नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, दोस्तों आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप लोगों को बहुत बड़ा गुप्त खजाना हाथ लगने वाला है, जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। जी दोस्तों, यूँ कहें तो अब अचानक से आपका भाग्य पलटने वाला है। दोस्तों अब आपकी जो बची खुची ज़िंदगी है वह अब पूरी ऐश के साथ कटने वाली हैं। जी दोस्तों, दोस्तों दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह समय आपके कुंडली में भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि पढ़ने वाली हैं, जिससे आपको वह खुशखबरियां प्राप्त होंगी जिसे आप कभी सपने में देखा करते थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से और ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनेंगी और ग्रहों में कुछ ऐसे ऐसे बदलाव होंगे जिनसे आपको कई क्षेत्रों में लाभ के साथ साथ बड़ी बड़ी कामयाबी भी हाथ लगने वाले हैं। जी दोस्तों, और दोस्तों जिस कारण से आपका पूरा परिवार ऐसे में खुशी से सराबुन भी रहेंगे और एक तरफ से यूँ कहें तो भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से और ग्रहों के ये दुर्लभ संयोग आपके जीवन काल के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपका दायित्व होता है कि ऐसे में इन समयों का सही उपयोग करें और बड़ी बड़ी कामयाबी और बड़ी बड़ी तरक्की को आप पा सके। जी दोस्तों, दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे कि ऐसे में अवधि में आपको किन किन क्षेत्रों में और क्या क्या लाभ की प्राप्ति होने वाली हैं। साथ ही यह समय अवधि में आप लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी और यह समय आपके जीवन काल में कौन कौन से शुभ तो कौन कौन से अशुभ घटनाएं घटने वाली हैं। साथ ही यह समय आप लोगों को क्या क्या सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी, तो कौन से ऐसे चुनौतियों का भी सामना आप लोगों को यह समय करना पड़ेगा और साथ ही कौन कौन से कार्य इसमें आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगे। और दोस्तों साथ ही इसमें बिजनेस के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और आपके नौकरी पेशावर के क्षेत्रों में क्या बड़ी खुशखबरी आप लोगों को प्राप्त होने वाली हैं। साथ ही घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव और सुधार भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों सारी की सारी जानकारी आप लोगों को पूरी की पूरी विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले भगवान शनिदेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में और जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों शनिदेव महाराज का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन की सारी परेशानियां और सारी के सारे कष्ट और दुख तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आने वाला जो 7 दिनों का समय रहेगा आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट समय साबित होने जा रहा है। दोस्त यह समय भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप लोगों को जो जो खुशखबरियां प्राप्त होने वाली हैं आपके ज़िंदगी में और आपके जीवन काल में जो जो चमत्कार होने वाले हैं दोस्तों उसे देख कर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने कभी अपने ज़िंदगी में ऐसी घटनाओं के बारे में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों अगले इन 7 दिनों के समय अवधि में आप लोगों को जो खुशखबरियां प्राप्त होने वाली हैं दोस्तों ऐसे खुशखबरी आप लोग अपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि दोस्त यह समय आपके लिए जो समय रहेगा शुभता और सौभाग्य के लिए रहने वाला है। दोस्त यह समय आपको व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में खास लाभ भी होगा और नौकरी पेशे लोगों की आय के नए नए स्रोत भी यह समय बनेंगे और दोस्तों सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ें पर यह समय धन खर्चा होगा और दोस्तों जो लोग राजनीतिक जुड़े हैं उन्हें यह समय बहुप्रतीक्षित या फिर पद या फिर जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिससे समाज में उनका मान सम्मान यह समय काफ़ी बढ़ेगा
और दोस्त या इसमें परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे छात्रों या फिर विदेश में करियर की तलाश कर रहे लोगों के लिए भविष्य में बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि उन्हें या इसमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जिनसे उनका मन या इसमें काफ़ी प्रसन्न और काफ़ी खुश भी रहेंगे। और दोस्तों इस दौरान कामकाज के सिलसिले में की यात्रा आप सभी के लिए बेहद शुभ और मनचाह लाभ देने वाला भी साबित होगा। और दोस्तों भूमि भवन से जुड़े विवाद या इसमें दूर होंगे और कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले में फैसला आपके हक में इसमें आ सकते हैं जिनसे आपको इसमें एक राहत भरे महसूस भी होंगे। और दोस्त यह समय प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए विषय में बहुत ही शुभ होगा। और दोस्तों इस दौरान उन्हें किसी काम के लिए सीनियर सावासी या फिर कोई भी अहम जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। और दोस्त यह समय किसी भी कार्य में आप जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा और वाहन सावधानी पूर्वक चलें, अन्यथा आपको यह समय आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट भी पहुंच सकते हैं। तो यह समय जितना हो सके आप लोग थोड़ा सावधान ही रहें। और दोस्तों प्रेम संबंध की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समय यह समय आप सभी के लिए बहुत ही शुभ है। किसी के साथ हुई मित्रता या समय प्रेम संबंध में तब्दील या फिर बदल सकती हैं और वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध या समय प्रगाढ़ता आएंगी और दाम्पत्य जीवन यश में आपका सुखमय भी बना रहेंगे। और दोस्त या समय परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के कई अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और यश में आप लोग जितना मेहनत करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। यश में कोई भी नया गठबंधन अनुबंधन व करार हो सकता है और काम को बड़ी ही संजीदगी व गंभीरता से अंजाम देंगे और लंबे वक्त के बाद आप शारीरिक और मानसिक शांति भी महसूस करेंगे। बेकार के ख्यालों में और अपने विचारों में अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति बर्बाद ना करें बल्कि इसे एक सही दिशा में लगाएं जो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और यश में घर में नए वाहन आने के भी योग बन रहे हैं। और दोस्त यह समय भगवान शनिदेव के दरबार से आपके करियर के क्षेत्र में आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियां हाथ लगने वाली हैं। दोस्तों आपके जो कार्य सालों से अटके पड़े हुए थे दोस्तों अब उस कार्य में गति आएंगी और जो कार्य आपके बनते बनते बिगड़ जाते थे यदि ऐसी कोई परेशानी आपके अंदर चल रही थी आपके ज़िंदगी में चल रही तो वह सारी परेशानियाँ सब आप लोगों को मुक्ति मिलने वाली हैं। दोस्तों भगवान शनिदेव ने आपकी सारी परेशानियाँ अब ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों ने पिछले समय में जो भी मेहनत और जो भी परिश्रम किए थे दोस्तों अब उन सभी का फल मिलने का समय आ चुका है। दोस्तों अब आप लोगों को जो जो कामयाबी हाथ लगेंगी आप लोगों को जो जो खुशखबरियां प्राप्त होंगी दोस्तों उसे सुनकर और देखकर आपकी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों आप कभी ऐसे सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जो दोस्तों यूँ कहें तो अब आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। और साथ ही आप लोग ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग उन लोगों की तरह बर्ताव ना करें जो अपने सपनों की खातिर अपने घर और सेहत को कुर्बान कर देते हैं और सिर्फ अपने महत्वाकांक्षाएँ के पीछे भागते हैं। बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय ऐसे में आप लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकताएँ होंगी क्योंकि ऐसे में आपके मुख से कुछ भी अपशब्द भाषाएँ निकल सकते हैं जिनसे आपको किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और लेन देन के समय आपके साथ कुछ बड़े धोखेबाजी भी ऐसे में हो सकते हैं तो ऐसे में आपको थोड़ा समन कर ही लेन देन करने की आवश्यकताएँ होंगी। और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताज़ा करने का भी यह समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और जो भी बोले आप सोच समझ कर बोले क्योंकि कड़वे शब्द शांति को नष्ट करके आपकी और आपके प्रिय के बीच दरार पैदा कर सकती हैं। तो यह समय आपको थोड़ा सावधानी से बोलने की आवश्यकताएँ होंगी। और यह समय आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में या फिर होश में आकर जोश ना खोएं, अन्यथा आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है और किसी बड़ी मुसीबत में आप फंस भी सकते हैं।